Dad is here, guys. कौन ओपन करेगा मैं? Yes. Surprise! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे. अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन. और आज के व्लॉग में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ सरप्राइज़, जो कि सरप्राइज़ पार्टी अरेंज करने वाली हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और ये गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए. तो यही सोचा कि पीछे से हम थोड़ी सी ऐसे उन्हें सरप्राइज़ दिया जाए कि वो भी खुश हो जाएं. चलें अब देखें हमारे साथ, इसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग के साथ मिलके करूंगी. आज मैं बनाने वाली हूं बटर केक, जो कि वेडिंग एनिवर्सरी के लिए होगा. वेडिंग एनिवर्सरी ज़ाहिर है इस घर में मेरी हो सकती है, तो इसीलिए केक तैयार कर रही थी तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ. इसको हमने ऑलरेडी सिफ्ट वगैरह करके रख लिया है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, तो टाइम मेरे पास है शॉर्ट. बैटर को हम डाल लेंगे बेकिंग के लिए. जिस भी आप जो भी यूज़ करें आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपका पैन है. और इसके लिए मैंने ओवन को पहले से प्रीहीट कर लिया था 175 सेल्सियस पे, और मैं अब इसे 175 पे 35 मिनट्स के लिए बेक पर लगा दूँगी. केक के लिए अब हम क्रीम तैयार करके तो फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो चिल हो जाए इतनी देर में. उसके लिए मैंने लिए है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब शुगर, आइसिंग शुगर ली है. साथ में ये डालूँगी अपनी व्हिपिंग क्रीम, साथ ही मैं इसमें वनीला डाल दूंगी, वनीला एसेंस थोड़ा सा, जैसे 1/2 टीस्पून के बराबर, क्योंकि ये 250 ml होगा क्रीम जो मैंने ली है. ओके, सो अनाया उठ गई थी तो मामा अनाया के पास चली गई, सो आई डिसाइडेड टू व्हिप द क्रीम. एंड मुझे एक टेस्ट करना है कि क्रीम हो गई है या नहीं, तो मैं वो करने वाली हूँ. ओके, सो टेस्ट ये है कि व्हिप क्रीम अपसाइड डाउन होती है गिरे बगैर, मैं वो चेक करने वाली हूँ. अगर गिर गई मम्मा कहिया, ओह दैट वर्क्स, अ लिटिल बिट फेल द वाटरी पार्ट बट ओवरऑल इट वर्क्स. अनाया इज अवेक एंड रेडी. अनाया उठ गई है, इन्हें हमने जल्दी से चेंज करवाया क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम है. अब मैं इसमें अनाया को बिठाऊंगी. जल्दी से चेंज करके आ गया मेरा गुड्डा. चेंज कर लिए, हेलो कर दो. थोड़ा सा तबीयत सेट ना होने की वजह से अभी भी उलझी हुई है क्योंकि नोज़ इसकी बंद है, मैंने सलाइन अभी डाला था नोज़ में, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है. मम्मा आपका कह रही है आपकी नोज़ ही में मम्मा ने डाला है ना, सॉरी बेटा. क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी आवाज़ में से, गले में से भी आवाज़ आ रही थी, साउंड थोड़ा सा डिफरेंट था, तो साथ में मैंने इसे सलाइन डाल के ताकि नाक इसकी खुले क्लीन कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ी सी ये भी डिस्टर्ब है. ये देखें, ये ठंडा हो जब तक, फिर मैं इसकी इसको सेटअप करेंगे हम. ये सब मसाले जो सब्जी पे मैंने लगाने हैं वो मिक्स किए हैं, और इंशाल्लाह इसकी सारी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि मैंने कौन से मसाले यूज़ किए. आप लोग क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से डाल लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि मसाले तो वही होते हैं हर जगह, ज़रा सा तेज़ और ज़्यादा कम का हिसाब होता है तो ज़्यादा सही रहता है. आई थिंक मुर्गी जो है मैं इसको अच्छी से पहले से नमक लगा चुकी हूँ थोड़ा सा, ताकि नमक की वजह से उसमें टेस्ट आ जाता है. अब मैं इसे ऐड करूँगी इसके अंदर और अच्छी तरह से मसाज करके मुर्गी का, तो तकरीबन हम इसे 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे. अब हम कर लगाते हैं सब्जी को मसाला, और मसाला लगाने से पहले क्या करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ. पहले हम इसकी स्किन को थोड़ा सा अलग करेंगे, स्किन के साथ होती तो बड़ी चरचरी सी बनती है, मज़ेदार सी, तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा स्किन को दूर करने के लिए, ये देखिए आप मैं ये सब कर रही हूँ. आपको भी अगर स्किन के साथ बनानी है तो आपको भी ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि मसाला अगर हम ऊपर से लगा देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा मुर्गी में. अगर हम इस तरह लगाएंगे तो मसाला अंदर तक रच जाएगा उसके, थोड़ा सा देखने में बड़ा वेट सा लगता है, पर यह कि काम तो काम है, उसे तो करना है हमें. इतना अच्छा मसाज अगर हम अपना करें तो हम बिल्कुल तैबा हंस रही है बड़े मज़े मज़े से, उसको अजीब सा लग रहा है. और ये देखें, अब ये मैंने लिया है एक फोर्क, उससे मैं कांटे से इसके अंदर होल कर दूंगी.
अब मैं इसके अंदर से भी इसके ज़रिए सारा साफ़ कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा है वो टिश्यू लेके उसे उठा देंगे हम, ताकि इसे क्लीन कर दें। चिकन डूइंग स्प्लिट्स, एक गंदी बात। अच्छा, मैंने मसाला कर लिया तैयार और मसाले में मैंने डाल लिया है ऑयल और एक चम्मच बटर डालूंगी साथ। और अब ये जो मसाला है हम इस तरह, मैंने ग्लव्स इसीलिए पहनती हूँ कि अनायक उठाना होता है, वैसे भी मसाला नेल्स में चला जाता है तो थोड़ी सी चिली आपको लगती है, बेहतर है कि हम पहन लें। तो हम इसे अच्छी तरह से स्किन के अंदर और ऊपर मसाज कर देंगे। और अगर ऊपर ही होगा तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, अगर अंदर होगा इस तरह से तो जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा सब्जी का आपकी। ये देखिए मैंने इसमें एक ग्रीन चिली भी डाली है, उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। बहुत सारे लोग नहीं डालते मगर मैंने यूज़ की है, और आप देख लीजिएगा अगर आप लोग बेहतर समझे डालना तो आप लोग डाल दीजिएगा। ये देखिए आप, मैं सारा अंदर अच्छे से मसाला लगा रही हूँ। अच्छे से लग गया माशाल्लाह से, आप देखो जितना ये मसाला था बहुत अच्छे से लग गया। अब मैं बस इसे बंद कर दूंगी और किसी डोरी के साथ इसको हमेशा बांध देना चाहिए यहाँ से, और देखने में भी खूबसूरत लगता है चरगा। या ये तो हम सब्जी बना रहे हैं वैसे, तो चरगे की भी अक्सर हम इसी तरह रख देते हैं तो वो एक अजीब सी लुक आती है, तो कोशिश करा करें जब भी बनाएं इसे किसी डोरी के साथ इस तरह यहाँ से बांध दें। तो मैं भी अभी वही करने वाली हूँ, इसे छोड़ दूंगी मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, ताकि ये कि जब बनाने से बनाने से थोड़ी देर पहले ही मैं इसे यूज़ करूँगी। चलिए जनाब, मैं बना रही थी रशियन सैलेड आज, साथ में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो ज़रा मज़ेदार सा हो, तो उसके लिए मैंने ले ली है यहाँ पर, मैं फ्रूट भाजी मिक्स बना रही हूँ, चिकन भी ऐड करूँगी, मतलब मीठा और नमकीन मिक्स बना रही हूँ। तो इसमें मैं ले लूँगी मेयोनीज़, तकरीबन एक पूरा बाउल भर के जाएगा। आएगी फ्रेश क्रीम, ये भी तकरीबन एक कप होगा, तो एक से डेढ़ कप होगा, पूरा चला जाएगा इसमें। ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जो जो वेजीज़ आपको खानी है वो डाल लें, जो फ्रूट्स खाने हैं डाल लें। नॉर्मली मैं जो डालती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ और किस तरह बनाती हूँ, वही आपसे शेयर कर रही थी। बन रहा था तो ये था कि चले आप लोगों को भी दिखा दूँ। बच्चे शौक से खाते हैं, सब घरों के अक्सर पाकिस्तान में शादी वगैरह में रखा जाता है तो सब लोग शौक से खाते हैं, इसे इन्जॉय करते हैं। तो मैंने कहा चले मैं बनाती हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, मज़ेदार लगता है, बड़ा अच्छा भी लगता है, इसको खाने में भी मज़ा आता है। तो इस ये हो गया थोड़ा थिक, क्योंकि क्रीम है ज़ाहिर है थिक तो होगा। हम थोड़ा सा इसे सॉफ्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे मिल्क, इसमें मैंने मंगवाया है अहमद से, और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करें वो थोड़ी ठंडी हो, ये ना हो कि गर्म गर्म चीज़ें डाल दें, क्योंकि क्रीम है क्रीम और ये सब फिर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। इतना डाल दिया है मैंने, तकरीबन होगा हाफ कप। मैं मिक्स कर रही हूँ, तैबा मिक्स कर रही हूँ मैं, इसमें सॉल्ट और शुगर, आइसिंग शुगर डालूंगी, सॉल्ट डालूंगी और ब्लैक पेपर जाएगा बस, काली मिर्च, नमक और पिसी हुई चीनी। अगर चीनी आपके मूड पर है आप डालना चाहें तो डालें, वरना कोई इस तरह का नहीं है कि बहुत ज़रूरी हो कि आप डालें ही उसको। काली मिर्चें पिसी भी आ जाएंगी, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा लगता है, थोड़ा तेज़ रखूँगी मसाला। इसमें डाल दूंगी मैं ये वेजीज, बॉयल वेजी है, इसे मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया। आप देख रहे होंगे इसमें अपने कॉर्न है, भुट्टे के दाने हैं और गाजरे हैं, कैरेट है, पीस है, मटर है, इनको सबको बॉयल करके ठंडा कर लें। और यहाँ लिए हैं मैंने आलू, थोड़े से क्यूब में काट के, बॉयल करके क्यूब में काट लिए मैंने। ये लिए है चिकन, ये भी बॉयल है, ऐसे मैंने आप देख लें किस तरीके से अलहदा किया। और अब मैं ऐड कर दूंगी एप्पल, थोड़ी सी किशमिश इसमें डाल देती हूँ, थोड़ी सी ऊपर से डालूंगी किशमिश और बादाम, आपकी टेस्ट पर है। बादाम बच्चों ने मना कर दिए, कुछ मेरे पास थे भी नहीं वरना मैं ज़रूर ऐड कर देती। बच्चे उसे बादाम को ज़्यादा शौक से नहीं खाते, कहते मम्मा वो दांतों में आते हैं और वो तंग होते हैं, फिर कहते इसमें सारी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं आप इसमें मत डाला करें। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मैक्रोनी, मैक्रोनी हम देख लेते हैं हमें कितनी डालनी है। एग है, एग हम पीसेस करके डाल देंगे, एग मैं ऐसे बिल्कुल एंड में डालूंगी, अभी भी नहीं डाल रही मैं, इसे कट करके यहाँ रख रही हूँ क्योंकि उसे आखिर में ही मिक्स करना बेहतर होता है। ये चीज़ें ज़रा
हार्ड होती हैं सारी चीज़ें, इसमें ज़्यादातर हार्ड चीज़ें ही डालना, जो भी फ्रूट डालें आप हार्ड हो थोड़ा वो फ्रूट ना डालें कि जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, अंदर जाके घुल जाए, तो वो फिर आपको पता है सारे आपके सैलेड का जो है टेस्ट ख़राब कर देगा। और कुछ ऐसा कुछ आपको ऐड भी करना हो, कोई फ्रूट जैसे आपका दिल कर रहा है इसके अंदर हो, तो वो आप ऊपर से अपनी प्लेट में डाल लें सर्व करते हुए, तो वो अच्छा लगेगा। अब आप ये देखें अच्छे से मिक्स हो रहा है, मैं इसमें अंडे डाल दूँगी ये वाले जो मैंने काटे हैं, और ये मैंगो भी डाल दूँगी क्योंकि मैंगो बच्चों ने अपनी फरमाइश से डलवाया है, मैं डालती नहीं होती। माशाल्लाह ये हो गया डन सैलेड, थोड़ी सी देर लगी है, सारी चीज़ें पहले से मैंने काम करते करते मैं तैयार कर ली थी, तो स्पेशल था आज, केक वेक भी बन रहा है, साथ सब्जी बन रही है, तो साथ में सैलेड बनना भी ज़रूरी था। बस अब मैं ऐसे साइडों से सारा सही करके, माशाल्लाह अच्छा बनता है, बहुत यम्मी होता है, हेल्दी होता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब इसे चिल करने रख देंगे फ्रिज में हम। ये हो गया रशियन सैलेड, परफेक्ट तैयार हो चुका है हमारा। आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बना के एक बार देखिएगा, अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी शेयर करने का मकसद यही होता है कि चलें आप लोग को डिफरेंट थोड़ा सा ट्राई करने को मिलता है। तो इंशाल्लाह मैं अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब ये देखिए मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर में तकरीबन टर्न कर देती हूँ ताकि ये कि स्टीम में ये बनती जाए, ये जल ना जाए, इसीलिए टर्न करते हैं। यहाँ मैं कर रही हूँ केक के दो पीस, और इसको मैं उठा लूँगी पूरा माशाल्लाह, और इसको कर लेंगे सेट। पहले मैं इसमें लगाऊंगी शुगर सिरप जो मैंने तैयार कर लिया है, और तैबा की बर्थडे वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं किस तरह तैयार करती हूँ, तो आप लोग उसमें जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और बस अब मैं इस पर सिरप लगाऊँगी। यहाँ हम कर रहे हैं इसके अंदर वाली लेयर को तैयार, और अब बस इसकी टॉपिंग तैयार करेंगे। बहुत सिंपल केक बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा कुछ करने वाली मैं, पर यह है कि थोड़ा सा सरप्राइज देने के लिए ये सब कर रही हूँ। अभी मैंने इस पे एक लेयर लगाई है, और इसे मैं ठंडा करने रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा इस पे ठहर जाए, फिर इसके बाद हम दूसरी लेयर लगाएंगे, जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये मैं बनाने लगी थी 7 पराठे, तो मैंने कहा मुझसे लास्ट टाइम भी सबने कहा था आप डो की रेसिपी ज़रूर बता दें, तो डो की रेसिपी के लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा और 1 कप आटा, और इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून चीनी, शुगर डालेंगे हम, और सॉल्ट डालेंगे, और डालेंगे साथ में 2 चम्मच भर के ऑयल के। ये 1 टेबल स्पून मैंने शुगर ली है, आप अपने हिसाब से गूंदे उस हिसाब से नमक चीनी को कम ज़्यादा कर लिया करें ताकि आपको मुश्किल ना हो। और इसे हम गूंद लेंगे गर्म पानी से, हल्का सा वॉर्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना जिसे हम कहते हैं। 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून ऑयल आ गया हमारा, और साथ साथ असल में मैं चीज़ें डालती जाती हूँ, आप लोगों को बताती जाती हूँ। यहाँ हम 2 टेस्ट सॉल्ट डालेंगे पराठों में, और इसे गूंद के हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद बाकी तरीका मैंने उसमें आपको दिखाया था, आप वो उस वीडियो में जाके आराम से देख सकते हैं। हम देख लेते हैं सज्जी को भी, क्योंकि एक तरफ ये काम हो रहा है, और आई थिंक बच्चे भी मेरे जो है एक्साइटमेंट में आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे से अला साहब की, कुछ कहना चाह रहे होंगे। मैं इसमें डालूंगी साथ साइड पे थोड़ा सा एक चम्मच का किसी चीज़ का सपोर्ट लूँगी इसको टर्न करने के लिए। बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो रही है, ये देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डालने की करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी साइड चेंज करनी है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा इसको अनाया को लेके साथ आ गई है। अनाया जो है वो साथ साथ बीच में डिस्टर्ब करती हैं, छोटी सी गुड़ियाँ हैं, तबीयत ठीक होने की वजह से नहीं होने की वजह से थोड़ा सा तंग कर रही है मम्मा को, तबीयत सेट नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा तंग कर रही है, बताना ये चाह रही थी। अच्छा, इसके साइड पे डाल दूँगी मैं 1 से 2 ग्रीन चिली, क्योंकि वही बात है कि आपके घर वालों को अगर अच्छी लगती है तो आप उसे ऐड करें, नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल ना डालें। बीच में रिंग डाल दूँगी प्याज के, खुशबू भी अच्छी आ जाएगी, और साथ में ये आराम से बारबेक्यू भी हो जाएंगे आपके, अच्छे से स्टीम में सॉफ्टनेस भी आ जाएगी, खुशबू भी आ जाएगी, तो ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। बस डो को हम इसी तरह वार्म वाटर से तैयार कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद पराठे तैयार करेंगे। पराठे तैयार करना मैंने लास्ट टाइम आप लोग को दिखाए थे जो नए स्टाइल के थे, अगर आप जैसे पसंद करते हैं वैसे पराठे बना लें। डो मैं इस तरह बनाती हूँ, वो मैंने आपसे आज शेयर कर ली। साथ में थोड़ी सी सॉस बनाऊँगी सब्जी के और पराठों के साथ, थोड़ी डिफरेंट है, योगर्ट है इसमें, मायनीज है, चिली है, ग्रीन चिली, गार्लिक है, और साथ में अपना हरा धनिया है, काली मिर्च और नमक भी है।
फ्रेंच फ्राइज बना रही थी थोड़ी, क्योंकि सब्जी बगैर इस चीज़ों के खूबसूरत नहीं लगेगी। फ्रेंच फ्राइज के साथ सब्जी के साथ ये सॉस जो है गज़ब ढाती है, बहुत ही डिलीशियस लगती है, आप ट्राई करिएगा ज़रूर। ओके, सो केक की डेकोरेशन के लिए मैंने कुकीज़ ली हैं और मैं उन्हें ज़िपलॉक बैग में डालूंगी ताकि क्रश कर सकूं। ओके, सो नाउ आई विल गेट अ रोलिंग पिन और मैं इन्हें क्रश करूंगी ऐसे करके। ओके, सो ऑलमोस्ट क्रश हो गया। हमारा केक इतना स्वीट नहीं है क्योंकि डैड को इतनी स्वीटनेस पसंद नहीं है, तो हमने विप क्रीम में भी इतनी स्वीटनेस नहीं डाली और ना केक में इतना शुगर डाला है, तो इसका क्रीम मैंने कुकीज़ का रहन दिया है जैसे आप देख रहे हैं, तो ये अच्छा टेस्ट करें। आप अलहदा भी कर सकते हैं। अहमद टेबल डेकोरेट कर रहे हैं इधर। अहमद दिखाएं क्या कर रहे हैं। अहमद हेल्प कर रहे हैं क्रश करने में और मैं ये देखिए फेरी लाइट्स है जो हम टेबल पे लगाएंगे और बलून्स भी अभी निकाल रहे हैं। ओके, सो वी आर गोना चेंज द रनर बिकॉज दिस इज आवर नॉर्मल वन, तो हम चेंज कर रहे हैं, मैं लिख रहती हूँ और हमारी चीज़ें भी टेबल पे हैं, मैं सब पूरी हुई थोड़ी तो मैं ठीक कर देती हूँ। यार रशियन सैलेड भी रखा हुआ है और मेरा वाटर। मैंने केक निकाल दिया एंड नाउ आई एम गोना टेक इट टू द किचन, वी आर गोइंग टू डेकोरेट इट, आपको दिखाते हैं। नॉर्मली मेरे हस्बैंड क्रिकेट खेल के शाम देर से आते हैं, आज एकदम से कॉल आ गई कि बस हम विन हो गए हैं और हम आने वाले हैं, और बस वो आने आने के चक्कर में अब मुझे जल्दी जल्दी से सब करना पड़ेगा, टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। और ये तैबा ने बहुत अच्छा किया केक को कवर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम ये पसंद नहीं करते, तो हमने जिस जिप लॉक में डाला था उसी जिप लॉक से मैंने थोड़ा सा ओपन किया है। अब मैं साइड पे भी इसके डेकोरेट कर लूँगी, बहुत आसान तरीका है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं और साथ आप कोई चॉकलेट अच्छी सी लगा दें इसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह तैबा ने कर लिया है, थोड़ा सा मैसी हुआ है पर उसने बहुत अच्छे से माशाल्लाह करा। जितनी देर में मैं पराठे बना रही हूँ, तैबा होल्ड करो मेरा पराठा, ये देखें पराठे बन रहे हैं वहाँ पर और ये कितने अच्छे बनते हैं। ये डो मैंने आपको बता दी आज, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं। और देखें और केक हो गया है डन, सजी हमारी डन है बिल्कुल। और आप देख रहे हैं बाकी का जो इसके अंदर का की ग्रेवी है, जो मैंने प्याज वगैरह थोड़े से किए थे, वो मैं यहाँ से अंदर भर दूंगी इसमें सारा, ताकि फ्लेवर जब हम कट करें तो वो अंदर रहे। इसके साइड पे मैंने डाली है बहुत ही क्रिस्पी सी बना के फ्रेंच फ्राइज, और जो चिली थी वो इसके साइडों पर मैंने लगा दी है दोनों तरफ। ये देखिए इस साइड पर भी है, इस साइड पर भी, इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाती है और बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप इसे कोयले का दम भी दे सकते हैं। ये मैं मसाला इसमें भर रही थी, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, डिश आउट हो गया ये। वी जस्ट लिट द कैंडल एंड नाउ आई थिंक दैट इज गोइंग टू कम वेरी सून। दैट इज हियर गाइस। कौन ओपन करेगा? मैं। यस सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू वेरी मच। चलिए आप देख रहे हैं फाइनल लुक इसका, और सॉस हम भूल गए थे वो भी हमने ऐड कर दी है। शुक्र है अल्लाह का कि बच्चों ने मतलब टाइम पे सब काम मेरे साथ करवाए और बड़ा आसान हो गया। अच्छा, मैंने ये आपको आज दिखाने का मकसद ये है कि बहुत थोड़े से में आप कितना अच्छा कुछ कर सकते हो, तो मेरे लिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं बहुत सारा करती, उससे बेहतर था कि मैंने ऐसी चीज़ें चूज़ की कि जो जो सिंपल हों, जल्दी बने और बहुत हाई फाई लगे। और हम काटेंगे केक बिस्मिल्लाह करके, और हमारी शादी को माशाल्लाह से कितने साल हुए, ये सरप्राइज़ है, आप लोग को मैं नहीं बताऊंगी। और ये हमारा केक हो गया डन बिस्मिल्लाह। आई थिंक मैं पेपर के ये देखें, केक बहुत लाइट क्रीम वाला है, आराम से सब लोग खा सकते हैं। और हमने केक कर लिया डन। आए जी, ये लो बिस्मिल्लाह। कैसा बना? आई एम गोइंग टू गिव मॉम एंड डैड केक एज़ वेल। थैंक यू। बहुत मतलब सॉफ्ट और बहुत मजेदार बना है, बहुत लाइट मीठा है। आई वाज गोइंग टू फिल्म मम्मा।
तो आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा, कभी सरप्राइज इस तरह दें तो अच्छा लगता है। परफेक्ट केक बनाए और एक स्लाइस हमने खा लिया। मेरी अनाया नहीं खा सकती अभी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगी। That's so good. Yeah. I'm so That's proud. Really good. And we have Russian salad over here and this sajji and that's parathas. Sajji paratha, French fries with aapke samne hi salad banaya hai, sab kuch aapke samne hai aaj ka. And we prepared it in less than 5 hours. Like 4. Mama mostly but I helped so that counts. चलिए जनाब आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।